आज हम क्या करने वाले हैं, ऑर्फिस मीटर का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ऑर्फिस मीटर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या रेडी लेना पड़ता है, वो यहाँ पे सारे फॉर्मूले रखे हुए हैं। तो पहले फॉर्मूले से पहले क्या होगा, ऑर्फिस मीटर का क्या है, ये फिगर है बराबर। ऑर्फिस मीटर में क्या होता है, एक ऑर्फिस शेप का प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पाइप जो है उसका डायमीटर कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये जो ऑर्फिस प्लेट लगा हुआ है इसका कितना डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर। तो जो पाइप है उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, D1, ठीक है, और जो ऑर्फिस का डायमीटर उसको क्या कंसिडर करेंगे, D2। और ये क्या लगा हुआ है, यूट्यूब मैनोमीटर, यहाँ पे क्या बताता है, प्रेशर डिफरेंस। आपको पता है ऑर्फिस मीटर में अगर डायमीटर ज़्यादा है और उसका क्या है कि वेलोसिटी कम रहेगी, ठीक है, जैसे डायमीटर ज़्यादा है वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी तो यहाँ पे क्या है प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पानी रुका हुआ रहेगा तो उसका दबाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब ऑर्फिस पे आता है पानी, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे पाइप क्या होगा, पानी क्या होगा, ज़्यादा फोर्स से निकलेगा, स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स ये मर्क्यूरी फील्ड है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ये मर्क्यूरी नीचे दबा हुआ है, और यहाँ पे क्या है प्रेशर कम है इसलिए ये अप हो गया। अब इसमें से क्या है, हमें दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो एरिया फाइंड करना है, एरिया एक डायमीटर के हिसाब से ये वाला इसका एरिया और एक इसका एरिया। तो एक फॉर्मूला होता है इसमें ऑफिस मीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, सबसे पहले एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, A H2 - H1, ये क्या होता है, जो वहाँ पे टैंक लगा हुआ है ना, जिसमें हम इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग लेते हैं, वो है, ठीक है। और टी क्या है, टाइम 20 सेकंड के लिए लेते थे ना रीडिंग, तो वो हो गया बराबर। तो ये एरिया ऑफ कलेक्टिंग टैंक हो गया, बट ये A1 और A2 जो है ना, यहाँ पे थियोरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए, ठीक है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए A1 और A2 जो है ना, ये इसके डायमीटर से एक एरिया फाइंड कर लेंगे π/4 × D² से, ठीक है। और दूसरा A2 ऑफिस प्लेट का डायमीटर से एरिया फाइंड कर लेंगे बराबर। फिर इसके बाद क्या होगा, हम एच फाइंड करेंगे। एच कैसे फाइंड करते हैं, मैनोमीटर की हाइट की रीडिंग लेते हैं, लेफ्ट लिम की रीडिंग लेंगे, और लेफ्ट लिम हो गया H1 और राइट लिम हो गया H2। फिर ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्करी और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूले रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच कैलकुलेट हो जाएगा, जो एच की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। इतना कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेंगे, थोड़ा इन सब लोगों का भी ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रीडिंग लेने के बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा पता चलेगा कि क्या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आया हुआ है, ठीक है, ओके। तो मीटर है, इसमें तीन इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, तो जो सबसे पहला फर्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या है, ऑर्फिस मीटर, और अंदर वाला क्या है, वेंचुरी मीटर, और ये नोजल मीटर। तो हम अभी कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑफिस मीटर का। ऑफिस मीटर करेंगे तो यहाँ पे एक पाइप देखो ऑफिस प्लेट से पहले लगा हुआ है और एक पाइप ऑफिस प्लेट के बाद लगा हुआ है। ये दोनों कहाँ आते हैं, इस मैनोमीटर में आते हैं, यहाँ पे लाओ तो जरा अभी ये मैनोमीटर दिखाओ, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पाइप हो गया ऑफिस प्लेट से पहले, और ये वाला पाइप क्या हो गया, ऑफिस प्लेट के बाद। यहाँ पे से मैनोमीटर की हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। ये कौन सा रीडिंग ले लेंगे हम, यहाँ पे जो H1 फाइंड किया है ना AH के लिए, तो ये H1 हो जाएगी लेफ्ट लिम की और राइट लिम की हो जाएगी H2। इस तरह से हमारा H कैलकुलेट हो जाएगा बराबर। और इधर से हम यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए इस कलेक्टिंग टैंक में से हम क्या लेंगे, इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग। तो पहले एक इनिशियल हम सेट कर देंगे इसमें से थोड़ा पानी निकाल के, तो इनिशियल जैसे कि भी यहाँ पे देखो सेटअप हो रहा है, तो 10 तक हम ला देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल हम 8.5 लाते हैं, ठीक है, ये इनिशियल यहाँ तक सेटअप हो जाएगा। तो 8.5 के बाद हम यहाँ पे बंद कर दिए, तो इनिशियल हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 8.5। अब इंस्ट्रूमेंट जाके चालू कर दो, स्टॉप वॉच एक किसी के पास चालू कर लो, तो स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच मोबाइल में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 सेकंड का रेट है वो लेंगे, ठीक है, हो गया स्टॉप वॉच चालू। अब 20 सेकंड के लिए रीडिंग लेना, ठीक है, जब मैं बोलूँगा स्टार्ट तो बोल कर देना था, ठीक है, ओके। अब देखो इनिशियल रीडिंग यहाँ पे हमने 8.5 ले लिया था, फाइनल रीडिंग कितनी आएगी वो देख लेते हैं, 13 समथिंग आएगी,
20 सेकंड हो जाए तो बोल देना। तो 20 सेकंड में जैसा भी इनिशियल रीडिंग हमारा 8.5 था, अभी कितना आ गया है 13। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 13 रीडिंग ले लिया है, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब कितनी रीडिंग लेने के बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो हमने सबसे फर्स्ट कलेक्टिंग टैंक का लिया था, H1 हाइट 8.5 था, दूसरा के ले लिए 13 ले लिए, इसके बाद 20 हो गया बराबर। अब क्यों एक्चुअल फाइंड कर लिए, एरिया हमें पता है, इस ये जो टैंक है ना, इधर टैंक में लिखा हो तो जरा, इसका जो लेंथ है ना ये 60 सेंटीमीटर है और ऐसे भी कितना है 40 सेंटीमीटर, इसका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बराबर। अब इसके बाद एक्चुअल जो एक्चुअल डिस्चार्ज था वो फाइंड कर लिए, कितना हो गया 540 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद हमें थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड करना है। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए हम H1 मैनोमीटर की रीडिंग ले लिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे ले लिए 13, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा H आ गया। अब H की वैल्यू हम इधर इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इक्वल टू A1A2√A1² - A2² √2GL। इसके बाद कैलकुलेट किया तो हमारा क्या आएगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज 790 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया बराबर। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ जो डिस्चार्ज फाइंड करना होता है ना वो कितना होता है 0.68 होता है। तो इसको हम अपने एक्चुअल डिस्चार्ज से और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना आ गया 0.68। यही हमारा इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना होता है, ठीक है। स्टॉप कर दो, ओके।